गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, वो था टेंस। और टेंस में हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट कंप्लीट किया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट जो अब हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इट शोज दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड एंड फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट, इट शोज दैट द एक्शन इज कंप्लीट और फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट, तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, इट शोज दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड और फिनिश्ड। इसमें स्टूडेंट्स जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हैज और हैव, आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो होती है हिंदी वाक्य के अंत में, एंड ऑफ द सेंटेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ओके स्टूडेंट, तो इट मींस कि वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है स्टूडेंट, कि उसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। इन दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, हैज, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट, हैज और हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल्स, वह अपने स्कूल जा चुका है। वह अपने स्कूल जा चुका है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में आएगा ही। अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है।
और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब के अंत में अगर एस सी आई एस हो तो वो कौन सी होगी? सिंगुलर होगी. तो इस जो ये जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है यहाँ पर गिवन है, तो इसमें एस कौन से में है? इसमें है. तो इसका मतलब ये कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है. उसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे कौन से होंगे? सिंगुलर होंगे. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ही आ गया ही के साथ हैज. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है ही हैज गॉन टू हिज स्कूल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कहानी लिख चुके हैं. वे कहानी लिख चुके हैं. तो वे के लिए दे का यूज करते हैं. दे हैव रिटन स्टोरी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार से अब जो हमारा सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता क्या है स्टूडेंट, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट? तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में यू हैव नोट प्लेड फुटबॉल. You haven't, yeah, you have not played football. Okay, student. He has not sung songs. He has not sung songs. No. Has का यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नोट का यूज किया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. ओके स्टूडेंट? फिर नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ यहाँ पर. उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो ये कौन से सेंटेंस हो गए? नेगेटिव सेंटेंस हो गए. कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होता है ऐसे सेंटेंस में. इज दैट क्लियर? अगर नोट का यूज होता है स्टूडेंट तो इट मींस वो कौन से सेंटेंस होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं. इसी प्रकार से नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब से और एंड ऑफ द सेंटेंस के सुरमार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस के सुरमार्क का सिंबल। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस के सुरमार्क का निशान, कौन सा सेंटेंस हो गया ये? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इज दैट क्लियर? और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। Examples, have you done your homework? Have you done your homework? Has he not has he bought a car? Has he bought a car? Okay student, starting है helping verb से और end of the sentence किस रूमर का symbol दिया हुआ है, तो it means ये कौन से sentence हो गए? Interrogative sentence होते हैं। Okay student, और इनमें helping verb has और have का use किया जाता है। Okay, तो ये interrogative sentence complete हुआ। Next हमारा interrogative और negative sentence। Interrogative or negative sentences. Formula. Helping verb plus subject plus not plus verb ki third form प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, हैव यू नॉट कंप्लीटेड your work? Have you not completed your work? Okay student, starting helping verb से है, उसके बाद according to formula बात करें तो सबसे पहले formula में क्या given है? Helping verb है। Helping verb हमने कौन सी use की है? Have use की है। Have क्यों use की है? क्योंकि you के साथ have का use होता है। Okay student, I, you, we, they और प्लस में जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव का यूज किया जाता है। ही सी इट एनी सिंगल नेम, ओके स्टूडेंट, उनके साथ हैज का यूज किया जाता है। हैज सीता नोट वास्ट
her hands. Has Sita not washed her hands? Okay, student. तो ये has और have का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए has का यूज हमने यहाँ पर किया है. उसके बाद सीता सब्जेक्ट हो गया, नोट का यूज किया क्योंकि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया वास, और हर हैंड्स एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल. इज दैट क्लियर? तो ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए. नेक्स्ट है WH फैमिली वाले. WH फैमिली WH sentences जिनकी स्टार्टिंग होती है WH फैमिली से. ओके स्टूडेंट, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है इसमें भी. तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का सिंबल. एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स व्हाट व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले व्हाट WH फैमिली से है, और उसके बाद हैव का यूज के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर यू दिया हुआ है. ओके, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैव का यूज किया. फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमने किया. ओके, नेक्स्ट Why has he seen this movie? Why has he seen this movie? तो सबसे पहले WH फैमिली वाले सेंटेंस बना रहे हैं, तो WH आ गया. ओके, यूज किया आपने. उसके बाद has का यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन का यूज किया, और दिस मूवी इंटरगेटिव सेंटेंस. ओके, तो ये दोनों ही WH फैमिली से बिलोंग करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां तक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है एडवर्बियल्स. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एडवर्बियल्स. Adverbials of present perfect tense. Adverbials of present perfect tense. Just, already. Recently, till now, up to now, just हो गया, already हो गया, recently, till now. Just now.
ईटीसी। एडवर्बियल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, टिल नाउ, अप टू नाउ और जस्ट नाउ एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, आर एडवर्बियल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। येट एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स, uses, use of adverbials, examples, he, not, yeah, he has, he come home yet। स्टूडेंट, अगर फिल इन द ब्लैंक में येट, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक में, फिल इन द ब्लैंक है और ब्रैकेट में कम दिया हुआ है और यहां पर एंड ऑफ द सेंटेंस अगर येट दिया हुआ है, एडवर्बियल्स कौन सी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, येट। येट नेगेटिव सेंस देती है स्टूडेंट, नेगेटिव सेंस, और येट आते ही नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ओके, तो यहां पर क्या है, ही फिल इन द ब्लैंक ब्रैकेट में कम होम येट, तो येट दिया हुआ है, ये हमें पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो येट दिया हुआ है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, और नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो यहां पर आएगा ही हैज, हैज का यूज किया हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए यहां पर हैज का यूज किया। और नेक्स्ट, नोट, ही हैज नोट कम, कम ऑलरेडी बिल्कुल राइट है क्योंकि कम केम कम, ओके, कम केम कम, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, तो हमने ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड सेम होती है, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड सेम होती है। ओके, सेकेंड में ए का यूज होता है, केम कम, केम कम। ओके, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ऑलरेडी इसमें गिवन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू रिसेंटली अब ये स्टूडेंट सेंटेंस है, यू फिल इन द ब्लैंक रिसेंटली, ब्रैकेट में क्या दी हुई है, राइट ए स्टोरी। ओके, क्या दिया हुआ है, यू फिल इन द ब्लैंक रिसेंटली, ब्रैकेट में राइट, ये ब्रैकेट में क्या है, वर्ब है। ओके, ये राइट दिया हुआ है वर्ब और ए स्टोरी दिया हुआ है, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो स्टूडेंट, ये जो रिसेंटली दिया हुआ है ये क्या है, एडवर्ब, कौन से टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, एडवर्ब है, और इसके अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैव, हैव का यूज किया हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया है। नेक्स्ट, यहां पर ब्रैकेट में क्या दी है,
राइट राइट कौन सी होती है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड कौन सी होती है, रोड। थर्ड कौन सी होगी, रिटर्न। हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, रिटर्न। ओके सुमित एंड हिज फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक। मेल विद द डायरेक्टर of this company. Sumit and his friends. Okay student, Sumit and his friends क्या हो गए, plural subject है ये, क्योंकि एक से ज्यादा है। Sumit and his friends. Okay, और break, fill in the blank दिया हुआ, bracket में क्या दी हुई, verb की first form। और कौन सी यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सुमित एंड हिज फ्रेंड्स हैव का यूज होगा और मेट। ओके, सुमित एंड हिज फ्रेंड्स हैव मेट विद द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहां पर हैव मेट का यूज किया। You fill in the blank. You fill in the blank already. Fill in the blank done this work. Okay student, ये example. तो you के साथ have का use करेंगे. You have already. और verb की third form already given है bracket में. Okay, तो यहां पर क्या जाएगी, done this work. Okay, तो इस प्रकार से ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर रहकर, और टेक केयर, बाय फॉर नाउ।